अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने जा रहा है। अनुमान है कि अगले 2-3 वर्षों में करीब 20 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। ये श्रद्धालु यहां इस दौरान 6 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम भी खर्च करेंगे। इससे अयोध्या और आसपास के इलाकों की काया पलट हो जाएगी। रामलला का मंदिर अयोध्या में आर्थिक प्रगति की नई कहानी लिखने को तैयार है। देश और दुनिया के लिए रामनगरी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का नया मॉडल बनेगी। पर्यटन विभाग के अनुमान के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 2 से 3 सालों में यहां रोजाना 3 लाख पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस हिसाब से इस दौरान करीब 20 करोड़ लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इतने लोगों के आने से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की भागीदारी बढ़ने का अनुमान है। राम जन्मभूमि, प्राण प्रतिष्ठा एवं अवधपुरी में चल रहे विकास कार्यों से धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और देश की जीडीपी को बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे होटल इंडस्ट्रीज एवं उससे जुड़े हुए व्यवसाय तथा लोगों को रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी। यह श्री राम करोड़ों लोगों का आस्था का आधार है और इकोनॉमिकली भी और सोशली भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जिसके अंदर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी, धार्मिक जो टूरिज्म है उसके थ्रू हमारे को काफी बेनिफिट मिलने वाले। आंकड़ों के मुताबिक हर पर्यटक औसतन 3,000 रुपए अयोध्या में खर्च करता है, यानी 20 करोड़ पर्यटक कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे। ये रकम भारतीय रेलवे के 2022-23 के सालाना बजट से 8 गुना ज्यादा है। वहीं मनरेगा में 5 साल से ज्यादा समय तक फंड मुहैया कराने के लिए काफी है। सरकार राम मंदिर निर्माण से लेकर नव्य, भव्य और दिव्य बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ये अनुमान अयोध्या के 300 से ज्यादा लोगों पर सर्वे के बाद जताया गया है। इसमें बाहर से आए पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हैं। इससे पता चला कि अब बदलते माहौल में स्थानीय छोटे दुकानदार अयोध्या के विकास में अपनी आजीविका को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में वो नए मौके को खोजने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं और पर्यटकों की तो इनमें से 90% 22 जनवरी के बाद अयोध्या आने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर ने विकास कार्यों से भी संतुष्टि जाहिर की है। अयोध्या के जरिए भारत ने दुनिया को अलग सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार कर दिखाया है। इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय वस्तुओं और दक्ष और कुशल दोनों श्रम को रोजगार के मौके मिलेंगे। अगले 3 साल में अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में 5 से 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। इसके साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आ रही है। मंदिर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार L&T के शेयर 5 अगस्त 2020 के बाद से 41 महीनों में 275% तक उछल गए हैं। टेंट सिटी बनाने का काम कर रही कंपनी प्रवेक के शेयर ने एक साल में 395% की छलांग लगाई। यानी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से सरकार से लेकर स्थानीय लोगों और शेयर बाजार के निवेशकों तक को जबरदस्त फायदा मिला है। आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।